दुनिया का कोई भी कारोबार ले लीजिए, हर जगह चढ़ते हुए यानी उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। जब तक बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का सितारा बुलंदी पर था, उनको हर कोई सलाम कर रहा था, एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिल रही थी। बट जैसे ही लाल सिंह चड्ढा और ठग ऑफ हिंदुस्तान ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ा है, उनको बायकॉट कर दिया गया है। यहाँ तक कि उनके पास अगली मूवीज के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा है। टी सीरीज की बहुत ही मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था मोगुल, जो उनके पास था, उससे भी उनका पत्ता कट चुका है। आपको पता होगा टी सीरीज के मालिक थे गुलशन कुमार, उनकी बायोपिक बन रही थी मोगुल, जो कि अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है, बिकॉज इसमें जो एक्टर थे आमिर खान, उनका मार्केट रेट बहुत डाउन हो गया है, ऊपर से बायकॉट का भी जहर फैला हुआ है। ऐसे में टी सीरीज ने दिमाग से काम लेते हुए आमिर खान को धीरे से साइड कर दिया, बिकॉज ये मूवी जब से बननी स्टार्ट हुई तब से इसके साथ पंगे चल रहे हैं। पहले अक्षय कुमार ने साइन किया था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, उन्होंने फोटो भी सोशल मीडिया पर डाली थी, और उसके लिए परफेक्ट रोल भी माने जाते थे, बिकॉज गुलशन कुमार अक्षय दोनों ही दिल्ली के उसी इलाके में बिलोंग करते हैं जहाँ से गुलशन कुमार आए हैं, यानी दरियागंज चांदनी चौक। पंजाबी बैकग्राउंड भी दोनों का सिमिलर है। ऐसे में दोनों के लिए बहुत परफेक्ट चॉइस थी, बट पता नहीं क्या बात हुई, टी सीरीज से उनके साथ मनमुटाव हुआ और अक्षय ने मूवी छोड़ दी। बाद में कई लोगों को मूवी के लिए कास्ट किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे नाम सामने आए, कपिल शर्मा का नाम भी लिया गया, इसके अलावा दो तीन एक्टर और भी कास्ट किए गए, बट फाइनली आमिर खान ने इस मूवी के लिए हाँ कर दिया, बिकॉज इसको बनाने वाले डायरेक्टर थे सुभाष कपूर, जो कि अक्षय के साथ जॉली अरबी पार्ट टू बना चुके थे। बट यहाँ भी एक पेच आ गया, सुभाष कपूर को किसी ने थोड़ा सा रेप और मोनेस्टेशन के केस चला दिए, जिसकी वजह से आमिर खान ने थोड़ी देर के लिए पत्ता झाड़ लिया कि मामला दब जाएगा तब वो मोगुल पर काम करेंगे। लेकिन तब तक सुभाष कपूर की महारानी वेब सीरीज आ गई, ब्लॉकबस्टर हो गई महारानी पार्ट टू आ गया, और आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा ने दम तोड़ दिया। सितारा फिर से बुलंदी पर सुभाष कपूर का आ गया। अक्षय वापस आएंगे नहीं आएंगे थोड़ा डाउट वाली बात है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। अब जो बड़ी चॉइस है उसमें बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें कि पंकज कपूर भी हैं, कुमित मिश्रा भी हैं, मनोज पाहवा भी हैं, परेश रावल भी हैं, रघुवीर यादव भी हैं। लेकिन इस मूवी को कमर्शियल वाइबल बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चॉइस हो सकती है, और टी सीरीज उसके लिए पूरी तरह से एफर्ट भी लगा रहा है, वो है अजय देवगन। अजय देवगन भी पंजाबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, प्लस टी सीरीज के साथ उनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं, और उनकी टी सीरीज के साथ एक लंबी एसोसिएशन भी है। ऐसे में टी सीरीज ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि वो मोगुल के लिए अजय को कास्ट कर लें, बिकॉज अजय ऐसी बायोपिक पर बहुत फिट बैठते हैं। उनकी आंखों से होने वाली एक्सप्रेसिव एक्टिंग, उनका सॉलिड बॉडी लैंग्वेज गुलशन कुमार की बायोपिक को थोड़ा सा ऑथेंटिक टच दे सकता है। और अक्षय के बाद अगर पंजाबी मुंडा कोई बॉलीवुड में है उस एज ग्रुप का, तो वो अजय देवगन है। ऐसे में टी सीरीज का स्टेप बहुत ही स्मार्टली हो सकता है, बिकॉज अजय अभी तक बायकॉट के निशाने पर भी नहीं है, अजय की पुरानी फिल्में भी कामयाब हुई हैं, और अजय इस तरह के रोल को पुल करने में बहुत माहिर हैं। तो उम्मीद करते हैं मोगल बहुत जल्दी अजय के साथ बनेगी, और अजय देवगन फिर से बॉलीवुड के मोगल को एक ट्रिब्यूट देंगे, वो भी अपने एक्टिंग के अलहदा अंदाज में। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।